क्या आप जानते हैं कि इंडिया को मदर ऑफ ऑल स्पाइसी क्विजिन्स माना जाता है? हमारे यहाँ खाना तो तीखा होता ही है, साथ में दुनिया की सबसे ज्यादा चिली यानी कि जो सबसे तीखी चिली होती है वो यहाँ पर उगाई जाती है। चलते हैं हमारी अगली डिश की तरफ जो अब मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, चिली बिस्किट्स। बनाए से जरूर। वैसे तो नाम सुन के ही ऐसा लगता है कि कुछ कॉम्बिनेशन अलग सा ही होगा। बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन, बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। जी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसका डो बनाना है। ये मिक्सिंग बोल हमारे पास है जी। इसके अंदर डालते हैं करीब एक कप मैदा। अच्छा। साथ ही में डालेंगे 2 चम्मच मार्जरीन जी। वैसे मार्जरीन अगर अवेलेबल ना हो किसी एरिया में तो आप व्हाइट बटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्नैक है तो इसके अंदर हम सॉल्टेड बटर भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमें अच्छी तरह मिलाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सैंड लाइक नहीं हो जाती। अब इसके अंदर डालते हैं हम लाल मिर्च पाउडर करीब 1/2 चम्मच और काली मिर्च पाउडर ये भी करीब 1/2 चम्मच जी। साथ ही डालते हैं थोड़ा सा नमक करीब 1/4 चम्मच और इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। ये सारी चीजें हमें इस डो में अभी डालनी है और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिलाना है। इनको मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर हम गीला करके डालें तो। ये सारी चीजें अब इसमें मिल चुकी हैं। अब इसके अंदर डालते हैं बाकी सारी चीजें जो कि पाउडर्स नहीं है। बारीक कटा हरा धनिया 1 चम्मच, बारीक कटी हरी मिर्च ये भी 1 चम्मच। तो हमने इसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च सारी चीजें डाल दी हैं, काफी चिली है। 1 चम्मच इसमें डालेंगे बारीक कटा अदरक, पुदीना बारीक कटा हुआ 1 चम्मच और साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच चीनी। इसमें काफी ज्यादा चिली है तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी चीनी डाल रहे हैं ताकि बैलेंस अच्छा हो जाए। ये देखिए अच्छा सा हमारे पास यहाँ पर एक मिक्स तैयार है। अब हमें इसका डो बनाना है। डो हम पानी से नहीं बनाएंगे, डो हम बनाएंगे इसका दही से। तो इसके अंदर डालते हैं दही 3 चम्मच डालेंगे और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए दही डालते ही ये आपको लगेगा कि काफी ज्यादा थोड़ा सॉगी हो गया है, लेकिन आपको अभी इतना लेने की जरूरत नहीं है। आप इसे आधे घंटे तक रेस्ट करने के लिए रखें। जब आधा घंटा हो जाए उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से नीड करें जैसे डो गूंथते हैं और इसका थोड़ा सा मैदा ऊपर से डालते जाएं। जी। अब इसके अंदर दही और नहीं डालना, मसाले और नहीं डालने, बस अब इसे अच्छा सा डो बनाना है। और ये डो मैंने पहले यहाँ पर बना के है तो ऐसा डो हमें मिल जाएगा जी। रेस्ट कराने के बाद इसको बाहर निकाल के रखते हैं। अब इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है तो इसको करीब हम 1/2 इंच मोटाई में हम इसे रोल करेंगे। ये लीजिए रेडी है ये। और हमारे पास यहाँ पर ये ट्रे भी रेडी है, बेकिंग ट्रे है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ग्रीसिंग करेंगे पहले। तो हमारे पास यहाँ पर मार्जरीन है, इसी से ग्रीस कर देते हैं। ग्रीस करने के बाद इसको थोड़ा सा डस्ट करेंगे मैदा से जी, ताकि ये जो कुकीज हैं ये इसके ऊपर चिपके ना जी। अब ये जो डो हमारे पास है इसको हमें कट करना है। हमारे पास यहाँ पर फैंसी कुकी कटर्स हैं जो मार्केट में आजकल इजीली अवेलेबल होते हैं। तरह से हम इसकी फैंसी शेप्स काट लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और ऐसा कटर है जी। लेकिन जिनके पास कटर्स ना हो तो वो कटोरी भी यूज कुछ ऐसी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए वो कटोरी भी यूज कर सकते हैं और जितना भी ये डो बच जाएगा उसके बाद आप इसे फिर से रोल करके और कुकीज बनाते हैं। ये लीजिए अब इन्हें हम उठाते हैं और प्लेस कर देते हैं स्ट्रे के ऊपर। थोड़ी सी हम जगह देंगे इसे। ये हमने यहाँ पर प्लेस कर दिए हैं। अब मैं इन्हें अवन में रख के आऊंगा 190 डिग्री सेल्सियस पर करीब 20 मिनट तक हम इन्हें बेक करेंगे ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए, क्रिस्प भी हो जाए और जो बेकिंग पाउडर इसके अंदर डाला है वो थोड़ा सा एक्सपैंड भी कर देगा। तो अच्छी तरह से इसे टाइम चाहिए पकने के लिए, 20 मिनट तक इसे पकाना होगा। तो मैं इसे वहां रख के आता हूँ। सुधा जी 20 मिनट हो चुके हैं, अवन में जो हमने बिस्किट्स डाले थे वो बेक हो चुके होंगे तो मैं उन्हें अवन में से निकाल के लाता हूँ। जरूर जी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जी। हम्म,
बहुत ही सुंदर लग रहे हैं जी। आप देख सकती हैं जो इसकी बैक साइड है वहाँ से भी अच्छी तरह ये पक चुके हैं जी, ऊपर से भी अच्छी तरह क्रिस्प हो चुके हैं। बहुत तो अब ये रेडी हैं सर्व करने के लिए। और आप इन बिस्किट्स को पहले ही बना के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं जैसे नॉर्मल कुकी करते हैं जी। और उसके बाद टी टाइम पार्टीज में या किटीज में अगर जाती हैं या फिर घर पे इनवाइट करती हैं तो उसके लिए एक अच्छी चीज है। लोग सोच के खाएंगे कि ये थोड़े से नमकीन होंगे, थोड़े से मीठे होंगे, लेकिन जब खाएंगे आप अपनी तो पूरी दुश्मनी निकाल सकती हैं। जरूर जी। कैसी लगी आपको रेसिपी? बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुधा जी कि आप इस शो पर आई और हमारे साथ जो आपने चिली पुलाव की इतनी रंग बिरंगी रेसिपी शेयर की, मैं जरूर एक बार अपने घर पे ट्राई करूंगा और अगर मेरी मम्मी को पसंद आई तो मैं दोबारा भी जरूर ट्राई करूंगा। जरूर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास ये चिली बिस्किट्स तैयार हैं, जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कीजिए और आज ही शाम को जब पतिदेव घर आए तो उनके लिए बना के रखिए और प्यारा सा सरप्राइज दीजिए। चिली बिस्किट बनाने के लिए आपको चाहिए मैं एक कटोरी मार्जरीन दो बड़े चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच, पिसी काली मिर्च आधा छोटा चम्मच, नमक एक चौथाई छोटा चम्मच, बेकिंग पाउडर एक चौथाई छोटा चम्मच, बारीक कटा हरा धनिया एक छोटा चम्मच, बारीक कटी हरी मिर्च एक छोटा चम्मच, बारीक कटा अदरक एक छोटा चम्मच, बारीक कटा पुदीना एक छोटा चम्मच, चीनी एक चौथाई छोटा चम्मच, दही तीन छोटे चम्मच। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। सबसे पहले मैदे और मार्जरीन को मिलाएं, अब लाल मिर्च काली मिर्च नमक और बेकिंग पाउडर को मिलाएं, इसके बाद हरा धनिया हरी मिर्च अदरक पुदीना और चीनी मिलाएं, दही डालकर डो तैयार करें और थोड़ी देर रखें। एक बेलन की मदद से रोल करें, कटर्स की सहायता से अलग अलग आकार के बिस्किट्स बनाएं, एक ग्रीस की हुई बेकिंग ट्रे में रखें, 190 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक बेक करें। ये बिस्किट्स तैयार हैं।